कल रात खेले गए तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। हमारे बल्लेबाजों ने बहुत ट्राई किया लेकिन इसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर हम सब जानते हैं कि इस समय फॉर्म में नहीं है और उनको कहा भी गया था कि भाई दो मैचेस इंग्लैंड में आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन विराट कोहली ने मेरे ख्याल से पहले मैच में 2 या 3 रन बनाए और इस मैच में 11 रन बनाए, 6 गेंद में 11 रन बनाए। और हम सबको पता है, जग जाहिर है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। ये सबको पता है कि विराट कोहली एक लेजेंड है। अगर इस बात में सच्चाई है तो इस बात में भी सच्चाई है कि विराट कोहली के बल्ले से पिछले 2-3 सालों से रन नहीं निकले हैं और टीम में जगह बनती है नहीं बनती है ये तो एक क्वेश्चनेबल है। लेकिन इसके बीच में एक पूर्व क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो कि विराट कोहली की बल्लेबाजी को देखकर गदगद हो चुके हैं और उनका नाम है इंग्लैंड के ग्रैहम सोहन। आपको पहले भी बताया था कि इस समय इंग्लैंड के ग्रैहम सोहन इंडिया में कमेंट्री कर रहे हैं और बहुत मक्खन लगा रहे हैं, इंडियन खिलाड़ियों को खूब मक्खन लगाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या बयान दिया जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डेविड विली के ऊपर विराट कोहली ने छक्का जड़ा, जिस तरीके से चौका जड़ा, उसे देखकर दिल खुश हो गया। अगर जेसन रॉय कैच नहीं लेते तो फिर विराट कोहली खूब सारे रन बनाते। जब आप कैच देंगे तो सामने वाला खिलाड़ी कैच ही तो लेगा ना। अगर गेंदबाज कह दे कि मैं आपको आउट नहीं करूंगा तो बल्लेबाज तो रन ही बताएगा। ये कौन सा पैमाना है कि जेसन रॉय अगर कैच नहीं लेते, अगर वहां पर वो आउट नहीं होते तो बड़े रन बनाते। आउट इज अ पार्ट ऑफ गेम, बाउंड्री इज अ पार्ट ऑफ गेम। अगर चौके को आप सेलिब्रेट करते हो तो आउट को भी तो एक्सेप्ट करोगे ना कि बल्लेबाज आउट हो गया। आप कह रहे हो कि विराट कोहली ने छक्का जड़ दिया, बड़ा मजा आया, चौका जड़ दिया, बड़ा मजा आया, और अगर कैच नहीं लिया जाता तो विराट कोहली के बल्ले से रन निकल जाता। लेकिन आप सोचिए कि अल्टीमेटली क्रिकेट में हम विराट कोहली को इसलिए याद करते हैं कि विराट कोहली के बल्ले से रन निकले हैं, इसलिए नहीं याद करते कि विराट कोहली ने बड़ी तेजी से 11 रन बना दिए और उसके बाद गायब हो गए। इसलिए विराट कोहली नहीं बने। लेकिन ग्रैहम सोहन का यह चौंकाने वाला बयान कि उनकी बल्लेबाजी देखकर बड़ा मजा आया, जिस तरीके से बल्लेबाजी की गई है, यही ग्रैहम सोहन है जिन्होंने कि आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय कमेंटेटर पर सवाल उठा दिया कि विराट कोहली के ऊपर में बड़े भारतीय कमेंटेटर हार्श हैं और वो क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं और क्यों इतना मक्खन लगा रहे हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप भी समझ गए होंगे कि मक्खन क्यों लगाया जा रहा है ग्रैहम सोहन के द्वारा। चलिए इस पर मैं क्या ही कहूं, लेकिन आपको कैसे लगी स्टोरी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।